Hello students, myself Reena Singh. I have done MTech and in electronics and communication and then completed my PhD from NIT Allahabad. Students, I am taking lecture from physics class 10. Okay, in the last lecture I have told something about refraction, some basic concepts about refraction and all. I think you are clear with that. In this lecture, I am going to take an application of refraction that is very important. This is a very important application which I am taking here. All applications I am not taking. Which is important, which is a question that has come, I am taking. Okay? So, this is a very important application which I am going to tell you here. Look, real and apparent depth. Refraction is because of this is a phenomenon which happens. So, we observe it here. Just see here, suppose I have made an interface again. This is my interface which is air ko dusre medium separate kar raha hai. This is water. Theek hai? Suppose this is water. Theek hai? Ab is water mein ek object lie kar raha hai. Niche. Vessel mein niche kahin ek object. Ye object aap soch sakte hai coin hai. Kuch bhi ek object hai yahan pe ek lie kar raha hai. Theek hai? Ab ye object jab hum pani ke upar, suppose main yahan se dekh rahi hu. Theek hai? Ye pani ke upar se jab hum is object ko dekhenge, to ye object humko kahan dikhega? Actually, ये object हमको यहीं दिखेगा कि यहाँ दिखेगा कि कहाँ दिखेगा वो चीज़ हमको यहाँ पे देखना है. Understood? So इसको जरा समझिए अच्छे से. बहुत important इसके ऊपर question आया हुआ है. Okay? Now just see कि suppose the ray of light is coming from this object and suppose this ray of light is, for example, it is incident normally. जो normally instant होगा वो बिल्कुल undeviated निकल जाएगा. ठीक है. नाउ कुछ रे ऑफ लाइट सपोज इंस्टेंट एट सम एंगल. सपोज दिस इज पॉइंट बी. ये कुछ एक एंगल बना रहा है नॉर्मल से. सपोज इट इज इंस्टेंट एट पॉइंट नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ अब चूंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे. तो ये रे नॉर्मल अपने डायरेक्शन पे ना जाके थोड़ा सा इस तरफ बेंड होगा, रिफ्रैक्शन होगा और ये हमारी आंखों पर ये रे यहाँ पे एंटर करेगा. ठीक है, जिससे कि हमको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा. नाउ अब अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिख रहा है. अगर मैं इस रे को, जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं, इफ आई प्रोड्यूस दिस, एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेट आपको प्रोड्यूस करना है. इफ आई प्रोड्यूस दिस रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हमको कहीं पर ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है. इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ये हमको यहाँ दिख रहा है. दिस ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रेज्ड अप. अंडरस्टूड? तो यही ये जो रेजिंग हो रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है. इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है, इस पर्टिकुलर इंटरफेस से इस हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है, तो हमको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है. नाउ द हाइट हैज नाउ द हाइट हाइट इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ से यहाँ ये हाइट हो गई ऑब्जेक्ट की. तो ये जो चीज़ है, दिस इज द शिफ्ट. This is the shift that we obtained, that is seen here. The object is raised to this point from O to, if I label this point as O dash, the object O से O dash shift हो. तो ये क्यों हो रहा है? Due to refraction. Understood? तो ये ध्यान रखिए कि object का जो depth है वो depth यहाँ पे कम हो रहा है. तो अगर मैं बोलूँ कि object has some real depth, suppose real depth is x meter. सो ऑब्जेक्ट का एक मतलब वर्चुअली ऑब्जेक्ट का ये वर्चुअल पोजीशन है. रियल पोजीशन तो ये है, ये ऑब्जेक्ट का वर्चुअल पोजीशन है. ठीक है, तो ये जो एक शिफ्ट मिला है जिसके कारण हमारी डेप्थ चेंज हो गई है, अगर मैं उसको बोलूँ अपेरेंट डेप्थ, सो अपेरेंट डेप्थ इज डिफरेंट फ्रॉम रियल डेप्थ ऑलवेज. ठीक है, अपेरेंट डेप्थ में हमारा ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कम हो जाएगी, हमको थोड़ा ऑब्जेक्ट अपना ऊपर नजर आएगा. ठीक है, सो ये शिफ्ट हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि ये शिफ्ट कितना होता है और इसकी क्या वैल्यू है. देखिए, शिफ्ट सो रियल डेप्थ इज समवॉट, अपेरेंट डेप्थ यहाँ पे कुछ और हमको मिल रहा है. तो जब हम डेंसर से रेयर मीडियम देख रहे हैं, जब हम एयर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है. इट मीन्स इसकी एक्चुअल जो हाइट है वो थोड़ी कम हो गई है. ठीक, तो अगर मैं शिफ्ट कैलकुलेट करूँ तो वॉट इज शिफ्ट? शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ. ठीक है, अपेरेंट डेप्थ का एक फॉर्मूला मैं आपको यहां बताती हूं. नो नीड कि वो कैसे आया वो फॉर्मूला. अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. नोट दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपेरेंट डेप्थ यानी कि जो नया जो पोजिशन है ऑब्जेक्ट का,
उसका इंटरफेस से कितना हाइट होगा वो हमको क्या मिलेगा, उसको बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ, और उसकी फॉर्मूला होगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच वी आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम एक्चुअली, ये वाटर है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला डेराइव करने के लिए कभी नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट इसलिए जो आपको इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, नो नीड अननेसेसरी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। वो आप डिराइव करना चाहें तो ये ट्रायंगल कंसिडर करके यहाँ पे, जैसे ये आपका एक ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, देन दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज आर, ये करके साइन आई बाई साइन आर करके आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, बुक में दिया हुआ है। वैसे इसको आता कभी नहीं इसलिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ। सो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू एम, ये एक फार्मूला आता है। और दूसरा फार्मूला आता है शिफ्ट का, शिफ्ट इज गिवन बाई, चूंकि शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ आप प्याज उठा के यहाँ डाल दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, शिफ्ट का फॉर्मूला रियल डेप्थ इंटू वन माइनस वन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, म्यू एम, यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? इस चीज़ को बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शिफ्ट क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ क्या होता है, ठीक है। नाउ विल डू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, वो मैं लास्ट में लूँगी, इसी लेक्चर के मैं लास्ट में एक न्यूमेरिकल आप लूँगी। और इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस और, ये नोट कर लिया आपने, दिस इज क्लियर ना कि किस तरह से ये जा रहा है, मैं किस तरह से मैंने लिया, दिस इज एन ऑब्जर्वर्स आई, आँख के जैसा अगर नहीं दिख रहा तो समझ लीजिए वो आँख है एक, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं रब करती हूँ, लेट दिस डायग्राम। और एक और चीज़, जो शिफ्ट मैंने यहाँ पे बताया है, शिफ्ट कौन से फैक्टर्स है जो कि शिफ्ट को इफेक्ट करेंगे, शिफ्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of medium, shift depends on thickness of medium, ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ, shift depends on thickness of medium, और हम क्या कह सकते हैं कि shift also depends on the color or wavelength of light, ठीक है, इन तीनों बातों पे शिफ्ट डिपेंड करेगा। किस तरह से डिपेंड करेगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऑलरेडी बताया कि अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू रियल शिफ्ट डिवाइडेड बाय अपेरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होगा वहां पे उतनी ही शिफ्ट मिलेगी, ठीक है। सो शिफ्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शिफ्ट इंक्रीजेस विथ, शिफ्ट का मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो शिफ्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस ऑफ मीडियम ये जो हाइट है, ये जो थिकनेस है कि हमारा ये कितने में है ये हाइट पे, सो थिकनेस ऑफ मीडियम के साथ साथ भी आपका शिफ्ट बढ़ेगा, शिफ्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मीडियम। और तीसरी चीज़ है कलर और वेवलेंथ, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ शिफ्ट आपका बढ़ रहा है तो वेवलेंथ के साथ शिफ्ट आपका क्या होगा, कम होगा। Understood? So color और wavelength के साथ में आपका shift with increase in color और wavelength shift decreases, with increase in refractive index shift increases, with increase in thickness of medium shift increases, with increase in color और wavelength of light shift decreases. Understood? चूंकि आपका mu v greater होता है mu r से, violet light का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट से ज्यादा होता है, तो इसीलिए वॉयलेट लाइट इज मोर शिफ्टेड इन कंपैरिजन टू रेड लाइट। सो विग्योर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा शिफ्ट किसकी होती है, वॉयलेट लाइट की, सबसे कम शिफ्ट किसका होता है, रेड लाइट का। अंडरस्टूड? सो दीज थिंग्स हैव टू बी वेरी मच क्लियर, बिल्कुल इसको क्लियर करके रखना है दिमाग में, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, सो दिस हैज टू बी मेड वेरी क्लियर इन योर माइंड कि शिफ्ट किस तरह से यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। नाउ इसी एक क्वेश्चन और आता है, इसी पे एक क्वेश्चन और आता है और बहुत बार आया हुआ, रिपीट हुआ है, मैंने क्वेश्चन पेपर चेक किया है, लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर चेक किया, उसमें बहुत बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, वो ये कि अपेरेंट, ये हो गया, लिख लिया इसको, यू रिटन, ओके, आई विल रब दिस पोर्शन, ओके,
apparent bending of stick immersed in water. इस पर एक क्वेश्चन आता है, क्या करेगा वो आपको एक वेसल बना देगा, ठीक है, वेसल बना के देगा, उसमें बिल्कुल पानी ऐसा भरा हुआ दिखाएगा, ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल उसमें पानी भरा हुआ है यहां तक. क्या करेगा, एक स्टिक बनाएगा ऐसा, लाइक दिस. आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग ना, तो आप लोग इसको अच्छे से सुंदर सा बना लेंगे. ये एक स्टिक रखा हुआ है पानी में डुबाया हुआ, ये स्टिक का सपोज ये ए बी ये ओ है, ठीक है, तो ए ओ पोर्शन पानी के ऊपर है और ओ बी पोर्शन पानी के नीचे है, और यहां से हमारा ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है, ठीक है. अब ये हो रहा है कि ये स्टिक हमको कहाँ दिखेगी, ये स्टिक जो है हमको ये पानी में हमको कहाँ दिखेगी, तो ये स्टिक हमको बिल्कुल स्टिक का, दिस स्टिक इज एक्चुअली इट इज रेज्ड इन हाइट. अगेन देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपका रे जा रहा है इस तरह से, ठीक है, इफ आई से दिस इज, ये दो रे इंस्टेंट हो रहा है, ये दो रे आपका इंस्टेंट हो रहा है ये, ठीक है. अब यहाँ पे नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, इस नॉर्मल पॉइंट से क्या होगा, बेंडिंग होगा. थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाना चाहिए मुझे एक्चुअली, प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज्ड ना, क्या हम यहाँ पे कह रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग हियर, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि ये स्टिक है आधा पोर्शन पानी में डुबाया हुआ है, ठीक है. अब हम यहाँ से देख रहे हैं पानी के ऊपर से स्टिक को देख रहे हैं, एयर से हम स्टिक को देख रहे हैं कि स्टिक कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको स्टिक कैसा दिखेगा एक्चुअली वो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि स्टिक कहाँ पे दिखेगा, इसका ये जो लोअर टिप है वो कहाँ पे दिखेगा. सपोज ये दो लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, बनाया मैंने ये नॉर्मल. अब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये जाएगी लाइक दिस, और ये भी, ठीक है, सपोज किसी पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल ये आपका ऐसा पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे ये बेंडिंग हो रहा है यहाँ से, तो जस्ट सी यह कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ये जो रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इस पाथ को फॉलो न करके थोड़ा सा ये बेंड हो रहा है, ठीक है, ये भी इस पाथ को फॉलो न करके यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे वो मिल रहा है जहाँ के वो, जहाँ से वो ऑब्जर्वर दिख रहा है. तो अगर मैं इसको फिर से प्रोड्यूस करूँ, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मिल रहा है, इट मीन्स कि नाउ अब मुझे ये कहाँ पे दिख रहा है स्टिक, लाइक दिस, इट मीन्स अभी स्टिक ये यहाँ पे था, ये थोड़ा सा मुझे फिर से रेज्ड अप दिख रहा है, इट मीन्स फिर से ये शिफ्टिंग हो रही है, अंडरस्टूड. तो ये स्टिक मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से थोड़ा सा बेंड होके दिख रहा है, ये स्टिक ऐसे रखी हुई, लेकिन चूंकि ये रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाने पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से मुझे स्टिक यहाँ पे न दिख के ये स्टिक थोड़ी सी ऐसे ऊपर उठी हुई दिख रही है, इसी को हम कह रहे हैं अपारेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक इमर्स्ड इन वाटर. इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है ना, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल समझिए आपकी, मैं क्या आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि ये जो स्टिक का जो लोअर पोर्शन है ये हमको ऐसे ना दिख के थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, और ये क्यों उठा हुआ दिख रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे स्टिक बेंडिंग, मतलब स्टिक की जो पोजिशन ये है लेकिन स्टिक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखा रहा है, तो स्टिक हैज बेंड, एक्चुअली वो बेंड नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो बेंड नहीं है, चूंकि हम यहाँ से देख रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि स्टिक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, यहां से ये थोड़ा सा स्टिक ऊपर की ओर बेंड हो गया है. अंडरस्टूड, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. तो आपको डायग्राम में क्या आ जाएगा, आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा, आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये पानी में डुबाया हुआ स्टिक है, अभी अभी आपका ये स्टिक कैसे दिखेगा, ये ऑब्जर्वर को स्टिक कहाँ पे दिखेगा, तो आपको ये सब डायग्राम बना के उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, दो नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा. अंडरस्टूड, सो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए इस टाइप का स्टिक आ जाए. सो ये जो अभी हम टॉपिक ले रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो चीज़ मैंने बताई कि शिफ्ट होता है, और ये एक एग्जांपल भी लेके बताया कि किस तरह से शिफ्ट चेंज कर रहा है पोजीशन. समझ में आया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए अच्छे से. और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि शिफ्ट के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तीनों फैक्टर्स भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे. अगर हमको ये चीज़ याद रहेगी ना, तो फटाक से वो हमारे दिमाग में आ जाएगा, एंड वी कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चंस. अंडरस्टूड, सो इज दिस क्लियर. और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन के, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, स्टार
स्टार जो ट्विंकल कर रहा है स्काई पे, स्टार हमको क्यों ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है? अगेन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वहाँ पे चेंज हो रहा है, जिसके कारण लाइट बेंड हो के हमको नीचे हम खड़े हमको दिख रही है, तो जिससे कि अगेन हमको वो स्टार की पोजिशन एक जगह नहीं दिखती, अलग अलग जगह दिखती, जिससे कि वो स्टार हमको ट्विंकलिंग नज़र आता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल दी, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पे टाइम की कमी के कारण हम डिस्कस नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट टू रेफर बुक फॉर दैट। ओके, सो इज इट क्लियर और नॉट? तो ये तो हो गया, देखिए ये हो गया, बात मैं कब कर रही हूँ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन द रेयरर मीडियम। हम रेयरर मीडियम से ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो हमारे क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट हमको रेज्ड अप दिख रहा है, थोड़ा सा वो अपनी इनिशियल पोजिशन से ऊपर दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि फिश पॉन्ड में हमको मछलियाँ, हमको लगता है कि बिल्कुल मछली एकदम ऊपर ही, जबकि मछली नीचे तैर रही होती है। दिस इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अंडरस्टूड और नॉट? तो ये सब चीज़ें हमको समझनी है। तो ये इस तरह से, अगर इसका उल्टा मैं बोलूँ, अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, उल्टा क्या बोलूँ, इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि ऑब्जेक्ट कहीं पर रेयरर मीडियम पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ रेयरर मीडियम एंड वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम। हम यहाँ से देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हमको कहाँ दिखेगा, तो अगेन इस ऑब्जेक्ट की हाइट हमको रेज्ड अप दिखेगी, ये ऑब्जेक्ट हमको अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। मतलब जो सेकंड पॉइंट है इसका, कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ रेयरर मीडियम एंड वी आर वॉचिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, देन द एक्चुअल पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट से ऊपर हमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। इट मीन्स अपारेंट, अभी वर्चुअली हमको ऑब्जेक्ट इस इनिशियल इस एक्चुअल पोजिशन से ऊपर दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। ठीक है, अगेन दिस इज ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, अगेन दिस हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये इंसिडेंट हो रहा है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, देन इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमको कहीं ऊपर दिखेगा, उस चीज़ से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि जब ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है तो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमको इनिशियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में प्लेस्ड है तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट हाइट विल बी इंक्रीज्ड, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके, इज इट क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, काफ़ी था इसके बारे में यहाँ डिस्कस करना, इसको अच्छे से आप और समझ लीजिएगा, कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस। अभी उसके लिए इंतज़ाम किए जाएंगे किस तरह से हम डाउट्स आपके एंटरटेन करें, बट इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ओके, आफ्टर दैट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई एम टेकिंग हेयर, दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पहले मैं आपको क्रिटिकल एंगल समझाऊंगी और फिर मैं समझाऊंगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, नाउ यहां पे देखिए, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, समझ रहे, रेयरर डेंसर कुछ क्लियर है ना, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, दिस इज क्लियर? ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। नाउ यहां पे व्हेन लाइट, मैं बोल रही हूं कि व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, बात यहां पे देखिए क्या हो रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, मतलब इसका उल्टा, रेयरर डेंसर हम केस नहीं ले रहे, हम कौन सा केस ले रहे हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब ग्लास से एयर तरफ जा रहा है या वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज अगेन मैं एक इंटरफेस यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, नाउ लाइट इज लाइक दिस, लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इंस्टेंट हुआ, नॉर्मल बनाते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ठीक है, सो डेंसर मीडियम है, दिस इज योर डेंसर मीडियम, दिस इज योर रेयरर मीडियम। ठीक है, तो क्या होगा, ये बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ये होता है। ठीक, अब
इसी को हमको आगे बढ़ाना है. आगे में देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ठीक है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी होगा बट स्ट्रांगली रिफ्रैक्ट हुआ, बहुत थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट होगा, बहुत बहुत ज़्यादा ये रिफ्रैक्ट होगा. ठीक है, अब देखिए हम क्या करें. नाउ सडनली, नाउ अब क्या कर रहे हैं, मैं ये जो एंगल आई है इसको सपोज मैं बढ़ा, सपोज आई एम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दिस एंगल आई. अब मैं क्या कर रही हूँ, सपोज इसी पे मैं कवर करती हूँ, इसी पे सपोज अभी एक एक एंगल, एक लेटर मैं ले रही हूँ सी, फॉर्म से सी एक लेटर मैंने लिया. अभी जो फर्स्ट केस मैंने बताया, इसमें आई इज लेस देन सी, सपोज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन सम वैल्यू सी. ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आई को इंक्रीज कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू सी, आई इज इक्वल टू सी का केस मैं यहाँ पे बना रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे आई है, ये आई इज इक्वल टू सी का मैंने यहाँ पे केस बनाया. ये आपका एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू सी, इस केस में देखिए क्या होगा, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, इट मीन्स आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर वैल्यू सी के बराबर हो गया, तो उस समय रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे विल बी अलोंग द इंटरफेस, रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस के अलोंग होगा और ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री. और एक चीज़ और, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाती चली जाऊँगी, वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी. ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दूंगी कि वो सी के बराबर हो गया, तो उससे मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल इंटरफेस के उसके ऊपर जाएगा, बहुत ही इसकी इंटेंसिटी लो रहेगी. ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है. ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. एक केस और लेते हैं, अब मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दी, सपोज इट इज़ ग्रेटर देन सी, मैंने कर दिया लाइक दिस, सपोज लाइक दिस, ये नॉर्मल है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एंगल मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि इट इज ग्रेटर देन सी, ये लेस देन सी था, इक्वल टू सी था, ग्रेटर देन सी, उसके हिसाब से ये आपका एंगल बढ़ रहा है, दिस इज आई ग्रेटर देन सी. इस केस में क्या होगा, इस केस में देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, द लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम. अगर मैं आर को यहाँ पे बोलूँ, सपोज आर को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई है, ये आई ग्रेटर देन सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम. ठीक है, सो दिस हैपन्स व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, अंडरस्टूड. अब मैं यहाँ पे सी को एक नाम दूंगी, C is called critical angle. Critical angle. This C is called critical angle. ठीक है, तो अगर मैं critical angle को define करूंगी तो कैसे define करूंगी, इसको ऐसे define करूंगी, when light passes from denser medium to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree or refracted ray is along the interface of the two media, then that angle of incidence is called critical angle. Understood? Critical angle. Critical angle वो angle of incidence होता है जिसके लिए angle of refraction 90 degree होता है, या refracted ray बिल्कुल मीडिया जो इंटरफेस है, जो कि एयर और दूसरे मीडियम को अलग कर रहा है, उस इंटरफेस के ऊपर ही होता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज योर क्रिटिकल एंगल. सो समझना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता, पूरा का पूरा लाइट वापस रिफ्लेक्ट होता है, 100% रिफ्लेक्शन हमको मिलता है. इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट जहाँ से इंसिडेंट हुआ वहीं पे वो वापस आ गया. ठीक, इसलिए, और 100% लाइट वापस आ रही है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. प्लेन मिरर
इट कैन बी यूज्ड फॉर 100%, इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन वहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है. जो प्लेन मिरर है वो 100%, वो भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मिरर में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन ज़रूर होता है, ठीक है, बाकी रिफ्लेक्शन होता है. तो प्लेन मिरर कभी भी हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दे पाता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वी यूज प्रिज्म, प्रिज्म यूज करते हैं. तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको जहां जहां पे भी चाहिए, जैसे कैमरा में, ठीक है, कैमरा में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, हम चाह रहे हैं कि वही लाइट हमको वापस मिले और पूरा 100% वापस मिले, सो दैट हमको एक ब्राइटर इमेज वहां पे फॉर्म हो. तो इसके लिए हम वहां पे प्रिज्म यूज करते हैं, ठीक, कैमरा में. और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस में मैं आगे बताऊंगी आपको, यूज़ हो रहा है कैमरा में, बायनोकुलर में, दूरबीन में, वहाँ पे भी ये प्रिज्म यूज़ होता है फॉर टोटल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, 100% इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितना लाइट इंसिडेंट वो पूरा का पूरा लाइट वापस आ गया उसी मीडिया में, ठीक. सो ये क्रिटिकल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. Now, क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला है दैट आई विल डिराइव हियर. क्रिटिकल एंगल इट इज गिवन बाय, ये आई है, ओके. क्रिटिकल एंगल इज, अगर मैं बोलूं, मैं अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करूं, सेकेंड लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम is equal to what you'll get? You'll get sine angle of incidence divided by sine c. What is angle of incidence? I, I को मैंने यहाँ किसके बराबर किया? C के बराबर किया. तो sine of c divided by angle of refraction. What is angle of refraction? 90 degree. तो sine of 90 degree. ठीक है? तो mu of air with respect to medium is equal to sin c, because what is sin 90, since sin 90 is equal to 1 trigonometry, ठीक है. अब देखिए, अब हमने पढ़ा था ड्यू टू कि लाइट रे का जो पाथ है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, वो रिवर्सिबल है, इसलिए हमने एक फॉर्मूला इसके पहले पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कि अगर हमको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कितने बराबर हो गया साइन सी, अगर मुझे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 1 बाई, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अंडरस्टूड, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एम यू एम इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, अंडरस्टूड. इट मीन्स कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, और वी कैन से इट इज इक्वल टू कोसेक सी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर, अंडरस्टूड, ठीक है. तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पता है तो हम वहां पे क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है. वी कैन इजिली फाइंड क्रिटिकल एंगल बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है. नाउ इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्रिटिकल एंगल निकाला हुआ है. ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है, ग्लास एयर इंटरफेस का जो क्रिटिकल एंगल है, वो निकलता है 42 डिग्री. याद रखेंगे इसको, जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है. कैसे निकालना है वो भी आप निकाल लोगे अगर आपको ये फॉर्मूला पे फिट करना आता है, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है. सो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल, दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ग्लास एयर इंटरफेस क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री. ऐसे ही वाटर का निकलता है 49 डिग्री, अंडरस्टूड. सो इट इज 49 डिग्री. तो ये याद रखना है बिल्कुल आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यही यूज़ होता है कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल, वैसे दिया रहता है, मान ली नहीं दिया रहेगा तो आपको ये याद रखना है, ठीक है. या फिर ऑब्जेक्टिव में हो सकता आ जाए कि वॉट इज क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, सो यू शुड नो. डिराइव करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है. सो यू रिमेंबर दिस क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, ओके. नाउ dependency of critical angle, critical angle depends on what, critical angle depends upon refractive index of medium, ठीक है. जितना ज़्यादा refractive index रहेगा उतना आपका critical angle कम रहेगा, ठीक है. तो glass का refractive index कितना होगा, water से ज़्यादा रहता है 1.5, glass का refractive index क्या रहता है 1.5, water का कितना रहता है refractive index 1.33,
ठीक है. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कम है इन कंपैरिजन टू वाटर. वाटर का 49 डिग्री 42, तो इनवर्स रिलेशनशिप है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो क्रिटिकल एंगल कम रहेगा. ठीक है. और अगर मैं बोलूं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है क्रिटिकल एंगल की, कि किस कलर या किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को मीडियम में ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल डिपेंड करेगा, तो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. एज वेवलेंथ इंक्रीजेस क्रिटिकल एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एज वेवलेंथ इंक्रीजेस दिस क्रिटिकल एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके. तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, बिल्कुल याद रखेंगे. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स के बारे में बात करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. बहुत ध्यान से यहाँ पे आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे. ये समझ में आ गया? सो आई हैव यूज्ड दिस डायग्राम टू सॉल्व टू फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है. इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमने ये वाला डायग्राम यूज किया है. नेक्स्ट इज टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में हम आ जाते हैं डायरेक्टली. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. क्या है विच इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर टोटल? ये भी एक क्वेश्चन आता है. इंपॉर्टेंट या नेसेसरी conditions, एक क्वेश्चन इस पर ही बनता है. What are the necessary conditions for total internal reflection? Total internal reflection के लिए कौन से condition necessary हैं? क्वेश्चन बनता है दो नंबर का. ठीक है. पहला क्या कि light should enter from denser medium to rarer medium. Rarer to denser में कभी भी नहीं होगा internal reflection, याद रखना. अगर denser to rarer जब light जाएगा तभी total internal reflection होगा. ठीक है. और दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो दीज टू कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. ठीक है. यहां पे मैं ये भी बोल रही हूं कि प्रिज्म इज मोर एडवांटेजियस टू बी यूज फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन कंपेरिजन टू मिरर. मिरर आपका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, लेकिन प्रिज्म ज्यादा हमको यूजफुल रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ये 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देता है. 100% इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको किससे मिलता है? प्रिज्म से. मिरर से 100% नहीं मिलेगा. रिमेंबर दिस फैक्ट टू बी नोटेड. ओके. इसके बाद अब मैं यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है, कुछ प्रिज्म है यहाँ पे. एक प्रिज्म है 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री का एक प्रिज्म है. सो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है हम यहाँ पे देख रहे हैं. टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में पहला प्रिज्म मैंने बताया है 45 डिग्री 90 डिग्री. बिल्कुल ऐसे ही आपको याद भी करना है. 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री. कैसा प्रिज्म होगा वो? लाइक दिस. ठीक है. ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, और ये भी आपका 45 डिग्री है. अंडरस्टूड? ये ए बी सी, ए बी और बी सी, ये दो आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. और जो हाइपोटेन्यूज ए सी है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. विल सी कि हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है. नाउ यहाँ पे 45, 90, 45, ये जो प्रिज्म है इसको हम लोग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी कहते हैं. टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसको कहते हैं. ये आपका राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है. और ये इसका यूज मेनली क्यों करते हैं? फर्स्ट यूज, इसके तीन यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. इस पर क्वेश्चन आता है. इसका जो फर्स्ट यूज है टू डेविएट अ लाइट थ्रू 90 डिग्री. ठीक है. दूसरा है टू डेविएट लाइट थ्रू 180 डिग्री. और तीसरा है टू इरेक्ट द
इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के भी ये काम आता है. तीन यूज है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट. 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी इसको कहते हैं. ठीक है, तो मैं पहला इसका बता रही हूँ कि हाउ इट इज़ यूज टू डेविएट अ लाइट थ्रू 90 डिग्री. 90 डिग्री डेविएट करने के कैसे काम आता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल देखेंगे इसको. ये मैं फर्स्ट बाकी के दो पॉइंट्स मिटा रही हूँ. इसका यूज़ भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वेर इट इज़ यूज्ड, इस टाइप का प्रिज्म कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे हमको 90 डिग्री डेविएशन चाहिए. देखिए मैंने यहाँ पे ये प्रिज्म बनाया है, इसको थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं. ठीक है, आई एम मेकिंग अ प्रिज्म. कौन सा प्रिज्म बन रहा है, ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म. ये कैसा होता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री और ये 45 डिग्री. इसके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, ए बी एंड बी सी, और ए सी इज द हाइपोटेन्यूज. अब देखिए देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे. व्हेन अ लाइट रे इज नॉर्मली इंसिडेंट, क्या बोला मैंने, व्हेन अ लाइट रे इज नॉर्मली इंसिडेंट टू दिस सरफेस ए बी. तो देखिए नॉर्मली इंसिडेंट में क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया था, नॉर्मली इंसिडेंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, लाइट एंटर कर रहा है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा, यहाँ पे डेविएशन होगा, नहीं होगा, देयर विल बी नो डेविएशन. द लाइट रे विल फॉलो, विल रिमेन अनडेविएटेड एंड फॉलो द सेम पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. ये बिल्कुल इंसिडेंट रे का पाथ फॉलो करेगा. इट मीन्स अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा. ठीक है, इट विल फॉलो इट, द लाइट विल नॉट बी डेविएटेड. ठीक है, और विल फॉलो द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. अब यहाँ पे ये सरफेस आ गया एसी, एसी में आके यहाँ पे ये लाइट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना लें. ठीक है, विल मेक अ नॉर्मल हियर. सपोज मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ठीक है, मैंने ये नॉर्मल बना दिया. अब दिस एंगल ऑफ दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस एसी. ठीक है, अभी कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंसर से रेरर जाएगा. ठीक है, तो क्या हो सकता है, सोच लीजिए, रिफ्रैक्शन भी हो सक्ता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि ये वन ऑफ द कंडीशन है. ठीक, अब ये एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्शन होगा, ये लाइट बाहर निकल जाएगा कि ये लाइट अंदर ही रहेगा. ठीक है, इसके ऊपर. सो हाउ विल यू फाइंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा आपका, वट विल बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब देखिए ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, मेरा 42 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे ये अगर मैं ट्रायंगल लूँ, इफ़ आई टेक दिस ट्रायंगल, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग ये सब हो जा रहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि ये ट्रायंगल देखिए, अगर मैं इसका नाम दे दूँ, सपोज दिस पॉइंट इज दिस एंड दिस पॉइंट इज फॉर एग्जाम्पल एम. ठीक है, ए एम ओ, इस ट्रायंगल में देखिए एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने बोला कि लाइट नॉर्मली इंसिडेंट था, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा. तो 45 प्लस 90 कितना होता है, 1 5 10 11 12, 135 हो गया. ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना निकलता है, व्हाट इज दिस एंगल, 180 माइनस 135, 45 डिग्री निकला. तो दिस एंगल इज योर 45 डिग्री. ठीक है, अब चूंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो पूरा 90 डिग्री बनाता है, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, तो ये एंगल पता है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा अपना, 90 माइनस 45 क्या होता है, 45 मीन्स दिस एंगल. सो दिस लाइट इज इंसिडेंट विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस ग्लास इंटरफेस, 42 डिग्री. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ज्यादा है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल लाइट बाहर नहीं जाएगा, लाइट अंदर ही रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट मीन्स लाइक दिस, ये देखिए ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि हमारा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे. अब 45 डिग्री देखिए, ये 45, ये 45, तो लाइट किससे टर्न हो रहा है, 90 डिग्री से टर्न हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मली इस सर्फेस पर इंसिडेंट हुआ, चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट है, तो ये लाइट बिल्कुल डेविएट नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज द रिटर्न पाथ, ये आपका इमरजेंट रे है, देख रहे हैं आप. तो अभी
अभी क्लियर हुआ कि जब हम लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रहे हैं 45-90-45 प्रिज्म पे, तो किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ? व्हाट इज़ अ डेविएशन? मैंने क्या बोला कि डेविएट 90 डिग्री डेविएट करने के काम है. सो व्हाट इज़ अ डेविएशन? डेविएशन विल बी, देखो ये इंस्टेंट लाइट है, ये आपका बाहर इमरजेंट लाइट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो द लाइट इज डेविएटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 degree. Understood or not? This application used where? It is used in periscope. Periscope में use होता है, ठीक है? Periscope एक ऐसा device है जो कि पानी के अंदर चीजों को देखने के काम आता है. Submarine वगैरह में periscope use होता है. Submarines में periscope is used. कुछ इस type का structure होता है, like this. ये submarine के अंदर ये portion रहता है. This portion is सबमरीन और ये आपका पानी में है ये पोर्शन, ठीक है? तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यहाँ पे बने होते हैं, ठीक है? लाइक दिस प्रिज्म्स आर देयर. यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, तो आपका लाइट बिल्कुल यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है. सो 90 डिग्री रिफ्लेक्शन, 90 डिग्री पे लाइट यहाँ पे डेविएट हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री भी डेविएट हुआ, और वो इस तरह सबमरीन के अंदर जा रहा है, जिससे कि बाहर की चीज़ अंदर दिख रही है. अंडरस्टूड? तो पेरिस्कोप में ये डेविएशन यूज़ होता है. तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? प्लेन मिरर हम यूज़ नहीं करते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए. क्या यूज़ करेंगे? 45-90-45 का प्रिज्म याद रखेंगे, ठीक है? आपको एग्जाम पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? पेपर में क्या बोल देगा कि ये एक मेरा प्रिज्म है, 45-45-90 का लाइट ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, क्या होगा आगे? कंप्लीट द रे डायग्राम. तो आपको इस तरह समझ के उसको कंप्लीट करना है. अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसका सेकंड यूज, इसी प्रिज्म का सेकंड यूज क्या है? टू डेविएट लाइट थ्रू 180 डिग्री. 180 डिग्री डेविएट करने के काम आता है ये. एंड दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिज्म इज यूज्ड इन बाइनोकुलर कैमराज टू गेट द इमेज, स्ट्रेट इमेज, ठीक है? उल्टी इमेज को बिल्कुल स्ट्रेट करने के काम आता है ये. टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 180 डिग्री, ठीक है? अब देखिए ये कैसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा प्रिज्म घुमा रही हूँ और मेरा प्रिज्म कुछ ऐसा दिख रहा है. सेम है आपका 45-90-45 का ही प्रिज्म है. ये 45, ये 90 है. दिस इज 90 एंड दिस इज अगेन 45, ठीक है? इस प्रिज्म में सपोज ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है PQ, ठीक है? ये यहाँ से लाइट इंस्टेंट यहाँ से हो रहा है. अब अंदर कैसा जाएगा? चूंकि 90 डिग्री पे इंसिडेंट है, देख लीजिए 90 डिग्री पे इंसिडेंट है, तो ये बिल्कुल अनडेविएटेड निकल जाएगा यहाँ से, लाइक दिस. डेविएशन नहीं होगा बिल्कुल, इसमें डेविएशन नहीं हुआ. अब यहाँ पे इस सरफेस पे अगेन नॉर्मल बनाइए. यहाँ पे देखिए कि नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद द नॉर्मल. कैसे मिलेगा? ये 45, ये 90, ये क्या मिलेगा? 45, ठीक है? तो ये एंगल कितना होगा? 45. इट मीन्स क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ये लाइट वापस आपका 45 डिग्री पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको मिलेगा. ये नॉर्मल है, 45 डिग्री पे लाइट हमारा यहाँ इंस्टेंट होगा. ठीक है, दिस इज द 45 डिग्री पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ. नो, ये लाइट आपका 45 डिग्री पे, ये नॉर्मल, थोड़ा सा गड़बड़ हमने बना दी, ये नॉर्मल ऐसे बनेगा. इधर भी वही चेंज करेंगे हम. ये भी आपका 45 डिग्री पे, दिस इज द 45 डिग्री. अंडरस्टूड? नो, यहाँ पे फिर से हमको बनाना होगा कि कितने पे आएगा ये. फिर से वापस 45 डिग्री ये वापस जाएगा और ये वापस अनडेविएटेड निकल जाएगा. सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, ठीक है? सो दिस वॉज द पी, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, पी डैश क्यू डैश.
45 डिग्री पे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इट मीन्स ये टोटल आपका 90 डिग्री पे देखिए डेविएट हो रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इट मीन्स टोटल डेविएशन यहाँ पे कितना हो रहा है, 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। जस्ट सी कि लाइट रे यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट था, इस इंटरफेस को इसने स्ट्राइक किया, इस इंटरफेस से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 45 डिग्री का एंगल कैसे बन रहा है, सेम जैसे मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था वही इसमें भी, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं एक एक चीज़ अगर लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा आप बना लेंगे फिर, ठीक है, ये आपका लाइट रे है पी क्यू, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ से 45 डिग्री टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये वापस आ रहा है, ये भी ऐसा वापस आ रहा है, ठीक है। सो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अंडरस्टूड। सो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, 45, हियर ऑल्सो 45, 45, ठीक है। तो ये लाइट रे यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ठीक। तो ये कितना डेविएट हो रहा है, 90 डिग्री डेविएट हो रहा है, 45 एंड 45 इस 90, और यहाँ पे वापस कितना हो रहा है, ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये 90, तो 90 प्लस 90 ये 180 पे, चूँकि यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट फिर से है तो ये बिल्कुल ऐसी बाहर आ जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ ये पी क्यू है लाइक दिस, तो ये क्या होगा आपका पी डैश क्यू डैश है, ठीक है। सो 180 डिग्री का डेविएशन यहाँ पे मिल रहा है जो कि हमने लिखा। बिल्कुल आप वैसे ही सोचेंगे ये ट्राइंगल ये कौन सा, ये कितना एंगल है 45 डिग्री, ये कितना एंगल है 45 डिग्री, ये कितना एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 45 डिग्री कैसे मिला, ये 90, ये 45, तो ये 45, तो ये 45 मिले, चूंकि नॉर्मल है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर से 45 पे होगा, फिर यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर नॉर्मल बनाइए, फिर कितना एंगल, चूंकि ये 90 है, ठीक है, ये 90 है और ये हमारा 45 है, दिस इज ऑल्सो 45, ये भी हमारा 45 है, तो ये 45 मिलेगा, तो ये भी 45 मिलेगा, फिर से ये 45 पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, ये 90 पे, चूंकि 90 पे से टर्न हो चुका है तो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मली इंसिडेंट होगा, ये अनडेविएटेड बाहर निकल आएगा। अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी, टफ नहीं है, थोड़ा सा कचर पचर तो नहीं हो गया है, अंडरस्टूड, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ओके। सो ये वाला जो प्रिज्म है 45 90 45, ये 180 डिग्री डेविएट करने के लिए भी यूज होता है। ये कहाँ पे मेनली ये इस तरह का यूज होना चाहिए, बाइनोकुलर कैमरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरा में इस टाइप का प्रिज्म यूज होता है लाइट को डेविएट करने के लिए, सो दैट हमको मोर ब्राइटर कैमरा, मोर ब्राइटर इमेज मिले और हमको सीधी इमेज मिले। अंडरस्टूड, सो दिस वॉज अ सेकेंड यूज। थर्ड क्या था, टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज को सीधा करने के काम आती है ये वाला प्रिज्म, टू इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज। आई मेक डायग्राम हियर, पहले मैं इसका रे डायग्राम बना देती हूँ, देन आई एक्सप्लेन यू कि कैसे ये काम हो रहा है। ए बी सी मार्क द एंगल्स 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। नाउ रे ऑफ लाइट पैरेलल, पैरेलल ये ऑब्जेक्ट हमारा उल्टा है, पी क्यू उल्टा है ना, ठीक है, इसी को हमको सीधा करना है, इसके लिए हम ये प्रिज्म यूज कर रहे हैं 45 90 45 का। कैसे सीधा हो रहा है देखो, नाउ इट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस ए बी, ठीक है, कि यहाँ पे इंसिडेंट है, रेरर टू डेंसर जा रहा है, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन इट विल बी, सपोज विल मेक हियर, ठीक है, सो इट विल बेंड फ्रॉम रेरर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, सपोज इस तरह से बेंड हुआ, ठीक है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पे फिर से वो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, अगेन नॉर्मल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बाहर निकल जाएगा कि क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अंडरस्टूड, और सेम इसी को ही आगे प्रोड्यूस कर देंगे और इसे एक तरफ का मैं बता देती हूँ, देन दूसरी तरफ का आप बना लेंगे। ये क्या हुआ, ये लाइट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे
एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हो रहा है, उसके बाद हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हुआ तो ये एंगल कितना होगा, ये जो ये नॉर्मल हमने फिर बनाया इस सरफेस पे, ये एंगल इंसिडेंट हुआ, हमने नॉर्मल बनाया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ। सपोज मैं ये डायग्राम को सपोज कंप्लीट कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग लाइक दिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टूड, लाइक दिस, ये हमारी क्या है Q, ये हमारी क्या है P, सो उल्टी चीज अब हमारी सीधी हो गई, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है देख लो, कैसे हो रहा है ये देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट नॉर्मल की तरफ आई, सपोज इस बेस में टकराई, बीसी से टकराई लाइट, अब यहां पे इंसिडेंट है, अब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, लाइट बाहर नहीं निकल रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये लाइट स्ट्राइक की यहाँ पे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक की, तो फिर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, वॉट विल बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन सी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये आई वन है, ये आई टू है, तो आई वन इज ग्रेटर देन सी, वॉट इज सी 42 डिग्री, एंड आई टू इज लेस देन सी, वॉट इज सी 42, तो जब ग्रेटर देन सी होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब लेस देन सी होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन, लाइट कहाँ जाएगा, नॉर्मल से अवे बेंड होगा, नॉर्मल से देखिए अवे बेंड हो रहा है तो पैरेलल, सो दिस रे ऑफ लाइट दिस इज पैरेलल टू दिस सरफेस बी सी, और ये वैसे ही पैरेलल बाहर भी निकल रहा है, अंडरस्टूड, सो दिस इज हाउ द इन्वर्टेड इमेज इज इरेक्टेड, इन्वर्टेड इमेज इरेक्ट हो गया। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ यू कैलकुलेट दिस एंगल, देखो ये 45 है, ये एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल देखिए कुछ होगा 90, सपोज मैं ले लेती हूँ 90 प्लस आर, मैं एक बता रही हूँ बाकी आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल 90 प्लस आर, क्योंकि मेरे को ये एंगल नहीं मालूम, ये एंगल क्या होगा वो भी मुझे नहीं मालूम, सपोज दिस इज ए फॉर एग्जाम्पल, इसको आप 45 प्लस 90 प्लस आर प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स आर प्लस ए इज वॉट, 45 प्लस 90 इज वॉट 135, 45 प्लस 90 इज 135 ना, सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, इट मीन्स व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, इट इज वन मिनट, ओके हियर इट इज क्यू, ये यहाँ पे 90, दिस इज योर नॉर्मल, तो ये 90 प्लस आर है तो ये आपका ए हुआ, ओके यस, ठीक है, ये आपका ए है तो ए आपका क्या जाएगा, A is your, what was that? It was 130, क्या था वो, 45 plus 90 ना, 45 plus 90 is 135, तो 135 plus A plus R is equal to 180 degree, ठीक है, ये बस ये कैलकुलेशन आपको करना है क्योंकि तभी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चलेगा आपको, तो इट इज 185 minus 180 minus 135, it is what, 45 degree, ठीक है, it means what is A? A is 45 degree minus R. A क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा 45 से कम होगा, ठीक है, अब ये क्या है, नॉर्मल है, हमको I1 पता करना है, ये नॉर्मल है, नॉर्मली पूरे कितना होता है 90, तो ये वाला एंगल क्या होगा, वॉट इज I1? I1 will be 90 minus A. Understood? Now what is A? It is 45 minus R. तो अगर मैं इसमें पुट करूं 90 minus 45, ये प्लस R हो जाएगा. What is 90 minus 45? It is 45. 45 plus R. मतलब ये जो angle of incidence है, ये 45 से ज़्यादा होगा. It means 45 से ज़्यादा होगा. Sorry. 45 से ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये रे कहाँ पे आई, यहाँ से जाके यहाँ सेम एंगल R1, I1 is equal to R1, ये यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ अननोन्स इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, हो सकता है एग्जाम में दिया हो, ठीक है, पेपर में दिया हो, तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 45 समथिंग प्लस में जा रहा है, 45 प्लस में जा रहा है तो ऑफकोर्स 42 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल के ऊपर ही जाएगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा यहाँ पे। देन अगेन ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट, अब हमको I2 पता करना है, I2 कैसे पता करेंगे,
देखिए व्हाट इज दिस एंगल, नाउ दिस इज आर वन, अगेन ये एंगल क्या हो गया 45 प्लस आर ही होगा, आर वन भी 45 प्लस आर होगा. अब ये क्या है, टोटल आपका क्या है 90 है. तो ये छोटा वाला एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, व्हाट इट इज, इट इज 90 माइनस 45, इट विल बी 90 माइनस 45 प्लस आर. तो 90 माइनस 45 इज 45, 45 माइनस आर, ये 45 माइनस आर हो जाएगा, इज इट. ये मैं कौन से एंगल की बात करी, दिस एंगल, इस एंगल की बात करी, दिस एंगल इज 90 माइनस दिस एंगल, एंड व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 45 प्लस आर. ठीक है, तो 90 माइनस 45 प्लस आर, तो ये माइनस आर हो जाएगा, इट मीन्स 45 माइनस आर. तो ये जो एंगल है विच वन, दिस वन, इट इज 45 से ये कम होगा, ये 45 होगा, तो ये पूरा एंगल आपका क्या होगा, अगेन 90 दिस इज, तो ये 45 प्लस यहाँ पे हम, यहाँ पे ये आर वन है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, इसी को डाल देते हैं, 45 माइनस आर, 45 प्लस 45, देखिए 45 प्लस 45 माइनस आर प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा 90 प्लस सपोज आई टू प्लस 90 प्लस आई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री. कचड़ा हो रहा है लेकिन कचड़ा दिमाग में मत डालना, ठीक है, बिल्कुल मैं क्लियर कर रही हूँ इसको. मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूँ, इस ट्रायंगल के एंगल्स को ऐड करके मैं बोल रही हूँ कि 180 के बराबर है. तो इसमें एक एंगल 45 दिया है, दूसरा एंगल हमारा होगा, दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस आर वन होगा. ठीक है, आर वन क्या है 45 प्लस आर है. ठीक है, तो 45 प्लस 45 माइनस आर ये हो गया, हाँ ठीक है, व्हाट इज आर वन, इट इज 45 प्लस आर, तो 90 माइनस दिस 45 माइनस आर, 45 माइनस आर प्लस ये दूसरा एंगल क्या होगा, ये नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है, प्लस आई टू इज इक्वल टू 180. तो जब आई टू आप यहाँ से निकालेंगे तो वो आपको 45 से कम मिलेगा. तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से आई टू कम है, तो डेंसर टू रेयरर में जब होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रे बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, अगेन इट विल बी पैरेलल टू दिस बीसी. सो इन दिस वे वी हैव सीन कि दिस इन्वर्टेड इमेज इज नाउ इरेक्टेड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म. ओके और नॉट, ओके सही है, ये सब कुछ सही है, बिल्कुल इसको सही से दिमाग में समझना है, एक बार इसको प्रैक्टिस करना, कोई स्टैंडर्ड की बुक लेके इसको रेफर करके प्रैक्टिस करना. ठीक है, अगर अगेन कोई डाउट होता होगा तो विल टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, समझ में आया कि इस प्रिज्म का यूज़ तीनों में समझ में आया. एक प्रिज्म और मैं लेती हूँ, दूसरा प्रिज्म है ये, तो एक प्रिज्म मैंने लिया 45 90 45, उसी का मैंने तीनों यूज़ बताया. एक प्रिज्म और है, द सेकेंड वन इज 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये इक्विलैटरल प्रिज्म कहते हैं या इक्विलैटरल और इक्विएंगुलर प्रिज्म. इसको मैं बना लेती हूँ फटाफट यहाँ पे. ये सब पता है आता है, ये सब क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली. ये बिल्कुल आता है ये क्वेश्चन, और बहुत आसान होता है ये. ठीक है, इसमें देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये कैसा प्रिज्म है, ये देखिए बिल्कुल इसको इस तरह से आप बनाइए. ओके, ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री. नाउ दिस प्रिज्म इज यूज्ड टू, ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड टू डेविएट अ लाइट थ्रू 60 डिग्री, थ्रू एन एंगल इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, 60 डिग्री अगर हमको डेविएट करना है तो वहां पे ये वाला प्रिज्म यूज होता है. ठीक है, नाउ हाउ इट इज, ओके ठीक है ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट प्रिज्म दैट वी आर टेकिंग इज इक्विलैटरल और इक्विएंगुलर प्रिज्म. इस तरह से हम प्रिज्म बनाएंगे. ठीक है, अगेन नेम इट ए बी सी, इसके मैंने एंगल्स को नाम कर दिया है. अब मैं क्या बोल रही हूँ, एक रे है, इंसिडेंट इस तरह से हो रही है, चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसलिए अनडेविएटेड पास हो जाएगी. अब ये कहाँ पे स्ट्राइक करी, इस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है ए सी. अब यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये डेविएशन आपका किस तरह से हो रहा है. ठीक है, तो ये एंगल कितना बनेगा, देखिए ये तो 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस 60 इज वॉट
150. So 180 minus 150 is 30. ये आपका 30 हो गया, ठीक है. ये 30 हुआ तो ये कितना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये पूरा एंगल कितना बना रहा है, 90 बना रहा है. तो ये एंगल हमको पता है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं. 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना होता है, 60. तो ये 60 डिग्री. अगेन ग्लास एयर इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री है. अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गया, तो ये क्या करेगा, इट विल, व्हाट इट विल डू, इट विल डेविएट दिस, इट विल अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे. और ये इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन ये आपका 60 डिग्री बन रही है, और ये रे आपका नॉर्मली यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, और ये इस तरह से बाहर निकल आ रहा है, ठीक है. तो इफ वी, सो दिस वॉज द इंसिडेंट रे. नाउ ये इंसिडेंट रे देखिए, ये इंसिडेंट रे था आपका, ये इंसिडेंट रे 60 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. नाउ 60 प्लस 30, तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, और अनडेविएटेड ये बाहर निकल गया, ठीक है. तो एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे 60 डिग्री है. कैसे 60 डिग्री होगा, ये एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है, इसको हम यहाँ पे, और ये आपका, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे, ठीक है. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में कितना एंगल बन रहा है, यू कैन से दिस एंगल, दिस एंगल एक्चुअली, ये एंगल, ये होगा डेविएशन डेल्टा. अगर मैं बोलूं, देखो ये इंसिडेंट रे, इसको मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, ये मेरा इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है. तो ये डेविएशन मैं बोल रही हूँ, दिस डेविएशन इज 60 डिग्री. आप निकालिए इसको, यू विल गेट 60 डिग्री, विल गेट. देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल हमको पता चल जाएगा, ये एंगल पता चल जाएगा. 30, ये भी 30 है, दिस इज ऑल्सो 30. देखो ये 30 बना रहा है, तो ये भी 30 बनाएगा, क्योंकि वही रे बाहर निकल रही है. सो दिस इज 30, दिस इज 30, तो ये 60 डिग्री का डेविएशन मिल रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर प्रिज्म इज यूज टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 60 डिग्री. अंडरस्टूड. एक लास्ट प्रिज्म हम यहाँ पे लेते हैं, क्लियर और नॉट, याद रखना है कि कैसे डेविएशन हो रहा है, और ये भी याद रखना है कि किस तरह से ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है, हाउ दिस लाइट रे इज ट्रैवलिंग. देखो ये 60 है, 30 है, तो 90 डिग्री पे बाहर निकल रहा है, इसलिए वो अनडेविएटेड मैंने निकाला है, ठीक है. आपको एंगल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए. तीसरा प्रिज्म होता है 30 90 60, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिज्म है. 30 90 60, ये तीसरा प्रिज्म है. दिस इज अगेन used to deviate light through angle less than 60 degree, actually through 30 degree. 30 degree अगर हमको deviation करना है, तो हम ये वाला prism लेंगे, 30, 90, 60. ये prism कुछ इस तरह का है, ये आपका 90 degree है, ये आपका 30 degree है, और ये आपका 60 degree है. Understood. तो यहां पे हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इंसिडेंट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कैसे, हाउ दिस लाइट रे इज बीइंग डेविएटेड हियर. ओके, तो किस तरह से ये होगा, सपोज अ लाइट इज इंसिडेंट इन दिस सरफेस. अगर मैं इसको लेबल कर दूं ए बी सी, ठीक है, इफ आई लेबल दिस, तो ये 90 डिग्री पे आया, तो अनडेविएटेड यहाँ निकल आएगा. अब हमको ये एंगल देखना है, दिस एंगल वी हैव टू सी, और फिर हमको देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल कितना निकलेगा. ये मैं नॉर्मल बना दूँ तो ये एंगल कितना होगा, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं. ये 60 है, ये 90 है, दिस इज 60, दिस इज 90 प्लस 60 इज अगेन 135, कितना होगा, 90 प्लस 60 इज व्हाट, 90 प्लस 60 इट इज 150, तो ये एंगल कितना होगा, 30, तो ये एंगल कितना होगा, 60, 90 माइनस 30 इज 60, इट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. अभी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक किया, देखिए लाइट का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल आप बनाइए, दिस इज 90 डिग्री, फिर नॉर्मल बनेगा ये, ये एंगल कितना है वो हमको निकालना होगा. ये एंगल कैसे निकलेगा, अगेन ये एंगल कितना होगा, ये 60, ये 60, ये 30, इट मीन्स ये 30 होगा,
ठीक है, ये 30, ये 30, ये ट्रायंगल मैं देख रही हूँ, 30 प्लस 30 60, 180 माइनस 60 इज व्हाट 120, तो ये पूरा एंगल मेरे को कितना मिला 120, ठीक है, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस ये एंगल, दिस सपोज मैं इसको नाम दे दूँ x, फॉर एग्जांपल x, तो 90, 120 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस x, ये 90 कैसे नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है, ये पूरा हमको 120 मिला, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू दिस, तो वॉट इज x इज 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, ये x हमें 30 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट कहाँ जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब लाइट आपका ऐसा बाहर निकलेगा, अंडरस्टूड, समझ में आया, समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। तो ये हुआ, अब इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो वो आप निकालिए, कैसे निकलेगा, इसको प्रोड्यूस कीजिए, पीछे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ये एंगल निकालना होगा, ठीक है, दिस एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री, आपको 30 डिग्री मिलेगा, आप आपको फिर कैलकुलेट करके देखिए, आपको 30 ही मिलेगा ये एंगल, क्योंकि ये 90 है, ये 120 है, तो ये 30 ही मिलेगा, अंडरस्टूड, सो डेल्टा यहाँ पे क्या हो गया, डेविएशन इज 30 डिग्री, सो दिस प्रिज्म यूज्ड इन दिस वे इज यूज्ड टू डेविएट अ लाइट रेट थ्रू 30 डिग्री। एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्रिज्म है इसकी खास बात क्या है, खास बात ये है कि अगर कोई लाइट इस पर्टिकुलर आर्म में इंसिडेंट हुआ या इस पर्टिकुलर आर्म में इंसिडेंट हुआ तो ये अनडेविएटेड, इट मीन सॉरी अनडेविएटेड, अगर ये ए बी, इफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए बी और ए सी, अगर ऐसा, ये तो मैंने इस तरह से इंसिडेंट किया था तो ये रिफ्लेक्शन वगैरह हुआ, रिफ्रैक्शन बाहर निकला, 30 डिग्री का डेविएशन दिया इसने, अगर कोई भी लाइट इस पर्टिकुलर आर्म में या इस पर्टिकुलर आर्म में इंसिडेंट होगा तो आप इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा, यू चेक इट, कि अगर इस आर्म में या इस ए बी में या ए सी में, इस प्रिज्म में 30, 90, 60 के प्रिज्म में ए बी सरफेस पे या ए सी सरफेस पे कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यू चेक इट, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, अनडेविएटेड पास हुआ, यहाँ गया, कितना एंगल बनाया, लेस देन ही बनाएगा वो, ठीक है, 42 से लेस बनाएगा, बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, इधर से भी वही चीज़ रहेगी, इधर से इधर आएगा, फिर से वो 42 से कम एंगल बनाएगा और वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये था ये हमारा 30 90 60 प्रिज्म, एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन है कि इस केसेस में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कब होगा, अगर इस पर्टिकुलर, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दो केसेस में भी होगा, कब होगा, अगर ये आपका 90, 30, 60, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊँ यहाँ, तो इसके नीचे अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुई ना तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यू कैन वेरीफाई दिस, मतलब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के नीचे इस आर्म में अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुई तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यू कैन वेरीफाई दिस, अंडरस्टूड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिजम्स, और प्रिजम्स ही यूज होते हैं इन कंपेरिजन टू मिरर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज क्या है, एक तो ये है कि 100% रिफ्लेक्शन होता है तो हमको एक ब्राइटर इमेज मिलती है जो कि मिरर में कभी नहीं मिलती, मिरर में कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, हमको एयर इमेज की क्वालिटी प्रिज्म की तुलना में कम ही रहती है वहाँ पे, ठीक है, मिरर का सरफेस रफ होता रहता है जिसकी वजह से भी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह ज़्यादा होता है, अंडरस्टूड और नॉट। तो डिफरेंस, ये डिफरेंस का भी एक क्वेश्चन आता है कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, प्रिज्म और मिरर दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनमें से कौन सा ज़्यादा यूजफुल है, इनमें से कौन सा ज़्यादा यूजफुल है। मिरर में एक एडवांटेज ये है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन बताया ना कि क्रिटिकल एंगल के ऊपर होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा मैंने क्या बताया कि हमेशा लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगा तभी होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो कंडीशन प्रिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, मिरर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मिरर में रिफ्लेक्शन किसी भी एंगल पे होता है, बट जहाँ पे हमको बहुत ही 100% रिफ्लेक्शन चाहिए, ब्राइटर इमेज चाहिए, वहाँ पे प्रिजम्स आर प्रिफर्ड ओवर मिरर, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये भी एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड मिरर इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन,
अंडरस्टूड? यहाँ तक का बात समझ में आया मेरा? बिल्कुल समझ में आना बहुत ज़रूरी है, समझो इसको, कोशिश करो. अंडरस्टूड? मैं ऐसे आगे लेक्चर्स डालती जाऊँगी. आज का लेक्चर मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ, मैं न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं ले रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ, बिल्कुल पक्का श्योर. आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.